न्यायमूर्ति अजुका मुख्य अतिथि कुमार अजीत जी के जे एतय आयल आशीर्वचन सबसे पहले भगवान विद्यापति जी को पढ़ा अध्यक्ष श्री अवधेश कुमार झा जी, सभापति सुनंदा जी, जयकांत मिश्रा जी, अशोक जी, मनोज जी, श्रीमती मोहनी झा जी एवं सभी उपस्थित माननीय अतिथिगण। झा जी जैसे मुस्कुराते हैं वैसे ही मीठे भी हैं। इन्होंने सही कहा, बड़ा पुराना संबंध है और जब इनका फोन आया तो मैं रात्रि में बहुत देर तक सोने के बाद सुबह सो ही रहा था और इन्होंने कहा मुझे आपके यहाँ आने के लिए समय चाहिए, तो कुछ अटपटा सा लगा क्योंकि कभी समय इन्होंने मांगा नहीं था। पहले आ ही जाते थे जब भी अवसर मिला या जब भी हमने बुलाया। तो हमने जब मैं उठा तो थोड़ा होश में आया नींद छोड़कर, तो मैंने पूछा कि आपने मुझे फ़ोन क्यों किया, आना तो स्वाभाविक है, आइए स्वागत है। उन्होंने कहा कि हमारी मिथिला संस्कृति संगम प्रयाग का एक कार्यक्रम है, उसमें आपको मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करना चाहता हूँ। तो जैसा अध्यक्ष जी ने कहा सही कहा, मैंने कहा इसमें आपको आने की आवश्यकता कतई नहीं है, आपने सुप्रीम बुलाया है तो मैं अवश्य ही आऊँगा। मार्टिन जी ने सही कहा, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सुन। आपस में बातचीत संवाद भाषा ही उसका एक माध्यम है। मानव संस्कृति मानव उत्पत्ति के बाद जिस तरह विकसित हुई है उसमें भाषा का ही संयोग रहा है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और उसको बोलना आता है, उसकी भाषा है। इसी वजह से वो पशु से थोड़ा भिन्न है, अन्यथा वह दो पैरों पर चलने वाला पशु ही है। भाषा की संस्कृति और भाषाओं का समागम मानव उत्पत्ति और विकास का द्योतक रहा है। विद्यापति जी एक बंगाली परिवार में जन्मे थे, लेकिन जब उन्होंने संस्कृति और अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया तो संभवतः 13वीं शताब्दी में ही मैथिली भाषा का जन्म हुआ। ये एक सुसंस्कृत भाषा, ये आपस में बोलने वाली भाषा नहीं है। इसकी संस्कृति इतनी उन्नत है और इसका साहित्य इतना विकसित है, इसी वजह से सन 2003 में हमारे ख्याल से इस भाषा को संविधान के 8वें अनुच्छेद में जगह मिली। मिथिला का अपना एक इतिहास है। लक्ष्मेश्वर जो कि मिथिला के सब कुछ थे सर्वे सर्वा एक समय में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में
उनका वित्तीय रूप से भी समर्थन रहा और सहयोग रहा। साथ ही साथ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बनी कांग्रेस को उन्होंने बड़ा ही मॉरल सपोर्ट भी दिया। यदि भी उनकी शिक्षा दीक्षा विदेश में रही, लेकिन आपको ये बात पता होगी कि जब इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन होने को हुआ तो अंग्रेज़ों ने कहा कि हम कोई भी सरकारी स्थान, इवन एल्फ्रेड पार्क भी आपको सभा करने के लिए नहीं देंगे। ऐसे में लक्ष्मेश्वर जी ने दरभंगा कासल जो यहाँ पर है उसको खरीद लिया और दरभंगा कासल से फिर दरभंगा कॉलोनी इलाहाबाद में बनी। मिथिला के राजाओं की वो रियासत रही। तो इस तरह से अगर देखिए तो राष्ट्रीय परंपराओं में और राष्ट्रीय कार्यक्रमों में और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में मिथिला निवासियों का बड़ा सहयोग रहा। मुझे बड़ी खुशी है और मैं बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ आज कि डॉक्टर अवधेश झा जी ने मुझको यह अवसर दिया कि मैं आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम में उपस्थित हो सकूं। यहाँ आकर मैंने देखा और जो मुझे समझ में आ रहा है कि मिथिला की सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखने में आपके सांस्कृतिक संगम की जो संस्था है इसका बड़ा ही एक तरह से प्रयास है। और मैं चाहूँगा कि आप अपनी इस भाषा को और अपनी संस्कृति को हमेशा हमेशा बनाए रखें, इसको उन्नत करिए, इसको विकसित करिए। भारत की मूल भाषाओं में से एक यह भी भाषा है, ये इस बात का लोगों को परिचय कराइए और इस बात से लोगों को अवगत कराने के बाद आपको महसूस होगा कि भाषाओं का भले बंधन हो लेकिन हर भाषा का चूंकि अपना एक स्थान होता है इसलिए हर व्यक्ति की हर क्षेत्र की अपनी एक गरिमा भी हो जाती है। मुख्य अतिथि होइए, अध्यक्ष होइए, ये महत्व नहीं रखता। मैं यहाँ आया और मुझे इतना प्रेम मिला, ये महत्व रखता है। मैं वहाँ आपके बीच में भी बैठा होता तो भी मुझे आज महसूस हो रहा है कि उतना ही अच्छा लगता। लेकिन एक शिकायत है कि डॉक्टर साहब की धर्म पत्नी यहाँ बैठी हुई हैं, वो हमारी सहपाठी रही, उन्होंने विधि की शिक्षा हमारे साथ ही ग्रहण करी लेकिन कभी मुझे इस बात से अवगत नहीं कराया। ये शिकायत मेरे ख्याल से जायज है और इसका हिसाब आगे होगा। फिलहाल इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि इसे इस लायक समझा कि मैं यहाँ आऊँ और इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, साहित्यिक कार्यक्रमों में आने का एक अलग ही चार्म होता है, कुछ अलग सी बात होती है। ईश्वर करे आपकी संस्था आगे बढ़ती रहे, फलीभूत होती रहे। डॉक्टर झा साहब यद्यपि कह रहे थे कि मैं अब स्वास्थ्य की दृष्टि से इस संस्था के अध्यक्ष पद पे नहीं रहूँगा, लेकिन मुझे लगता है उनकी मुस्कुराहट और देख के उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है और मैं चाहूँगा कि जब तक संस्था के लोग चाहें तब तक इस संस्था को लीड करें। ये तो आपस में पारिवारिक बात है और रहें, आगे बढ़ाएं। परम आदरणीय न्यायमूर्ति
बांग्ला भाषा में भी किया हुआ है, लेकिन विशुद्ध रूप से मैथिल ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था मिथिलांचल के वासी। क्षमा याचना सहित मैं आपकी इस बात का संशोधन करना चाहूँगा, इसको अन्यथा ना लें। धन्यवाद। अब हम आजुक सभाक सभापति प्राचार्य सुनंदा चतुर्वेदी जी के आवाहन करबनि जे किछु शब्द प्रोफेसर सुनंदा चतुर्वेदी। बैठे हुए सभागार में बैठे हुए सभी सम्मानित भाई और बहनों को भी मैं अपना प्रणाम करना चाहती हूँ। सबसे पहले धन्यवाद दूँ कि आप सभी ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है अपनी संस्कृति से परिचय कराने, क्योंकि महाविद्यालय में डॉक्टर झा की इस मैथिली समाज की बड़ी प्रशंसा होती है और इस समारोह की विशेषकर हर साल, क्योंकि महाविद्यालय के लोग इस समारोह में आते हैं। ये अच्छी बात है कि आप लोग खाली अपनी समाज के अंदर ही सीमित ना रह करके भी हम सबको भी बुलाते हैं, तो वो देखने का अंदाज हो जाता है कि भाई दूसरे लोग भी यदि आते हैं तो आपके समाज में की ये जो सांस्कृतिक धरोहर है इससे हम सभी परिचित भी होते हैं। और ये प्रशंसा का विषय भी है कि एकदम अभिभूत हो जाते हैं कि ये समाज इतना संगठित है कि एक जगह एकजुट होकर के एक समय में और इस तरह के समारोह आयोजित करता रहता है। इसके लिए आप सभी पदाधिकारियों को, कार्यकारिणी समिति के और मंच पर आसीन सम्मानित सदस्यों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, साधुवाद देना चाहूँगी। जहाँ तक यहाँ पर आने का सवाल था तो झा साहब ने कहा कि मैडम कार्यक्रम है हमारे यहाँ, शाम को आइएगा। झा साहब हमारे यहाँ वरिष्ठतम प्राध्यापक हैं, तो एक प्राचार्य होने के नाते वरिष्ठतम सदस्य की बात को, पहले बात हो रही थी आपके कि मिथिला में किस तरह की शादी की प्रथा है। एक दिन झा साहब से जिक्र चल रहा था कि यूट्यूब पे एक दिन हर जगह की शादियां संस्कार देख रहे थे हम लोग, उसमें देखा कि मिथिला में भी शादी हो रही है जिसमें कि चार दिन बारात ठहरी हुई है और चार दिन दूल्हा दुल्हन के घर ठहर कर के एक एक संस्कृति एक एक क्रियाएं उसमें हो रही है, एक एक परंपराएं हो रही हैं। वो देखकर ही आश्चर्य हुआ कि आजकल के समाज में जहाँ सभी लोगों के यहाँ रात को फेरे पड़े, दूसरे दिन बारात विदा हुई, वहाँ आपके समाज में आज भी चार दिन तक एक बारात ठहरती है, तो ये आपके समाज की उदार हृदयता की परिचायक है। क्योंकि आप लोग मिथिला को बिलोंग करते हैं जो सीता जी का मायका था। रामचंद्र जी के विवाह के समय भी यही सुना था कि जब दशरथ चलने को कहते थे कि अब हम चलते हैं, तब जनक जी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे कि साहब एक दिन और। तो ये जो आप लोग के यहाँ आप भगत की जो प्रथा है वही आज हम सब की महसूस भी कर रहे हैं यहाँ आगंतुक को करके, अतिथि के रूप में आकर के, कि यहाँ जो स्वागत और सत्कार हो रहा है ये आपकी वही देन है कि आप सीता जी के मायके के वंशज हैं, आप उसी को बिलोंग करते हैं, उसी पीढ़ियों को बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर अभी भी अतिथियों के सत्कार की इस तरह की प्रथा है कि आप चार दिन के बाद भी बारात को जाने नहीं देना चाहते कि आप एक दिन और जनक जी की तरह से आपको कहते हैं इस सभागार में आकर के। सही बात है जो हमारे न्यायमूर्ति जी ने भी यही कहा और जैसा कि मैंने भी आग्रह यही किया था झा साहब के साथ कि झा साहब हम मंच पर नहीं बैठेंगे, मैं दर्शक दीर्घा में ही बैठूंगी और वहीं पर बैठकर के आपके कार्यक्रमों का आनंद लूंगी, क्योंकि वहां बैठ के जो आनंद लिया जा सकता है वो यहां बैठ के नहीं हो पाता। तो लेकिन झा साहब बोले नहीं मैडम मंच पर आपको आना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही है कि आपके समाज की जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं और जो देखने में अच्छा लग रहा है कि सभी लोग एकजुट होकर उस भाषा में लगातार बात कर रहे हैं, वहाँ कोई संकोच नहीं है, खाली हम और न्यायमूर्ति जी ही हिंदी में बोल रहे हैं, खड़ी बोली में बोल रहे हैं, हिंदी खैर आप लोग भी हिंदी ही बोल रहे हैं, लेकिन हम ही लोग खाली खड़ी बोली में बोल रहे हैं, आप सभी मिथिला वासी मिथिला में ही बोल रहे हैं। ये सराहनीय प्रयास है, इससे एकजुटता समाज में आती है कि जब हम अपने विचारों
सोच करने लगते हैं कि हम अपनी भाषा का प्रयोग ना करें, लेकिन आप लोग इस परिप्रेक्ष्य में भी मतलब प्रयागराज की भूमि पर भी आप अपनी भाषा में ही आपस में संवाद कर रहे हैं, ये भी बहुत सराहनीय है कि हम लोग भी अपनी ब्रजभाषा, हमारे चतुर्वेदियों की ब्रजभाषा है, लेकिन हम लोग काफ़ी हमारे यहाँ की पीढ़ियाँ उस ब्रजभाषा को भूल चुकी हैं क्योंकि हम लोग लगातार उसका प्रयोग नहीं करते। तो ये आप लोग के लिए सराहनीय है, आपके समाज के लिए कि आप लोग अभी भी उस भाषा का प्रयोग लगातार एक दूसरे से संवाद करने में करते हैं, जिससे कि आत्मीयता आपकी आती है कि आप एक ही समाज को बिलोंग कर रहे हैं। अधिकतर पदाधिकारी भी छाल और दिखाई देते हैं, जाते जाते उच्च पदों पर आसीन जब भी काम पड़ता है तो जब छा दिखाई देते हैं तो हम अपने झा साहब को आगे कर लेते हैं कि भाई झा साहब आप हमारे लिए काम करवा दीजिए, वो उस पद पर आसीन झा ही हैं अधिकारी। तो इस तरह से भी झा साहब के हमारे हमको अधिकतर सहयोग मिलता रहा है। इसी तरह से आपका समाज उन्नति करे, आपकी एकजुटता हमेशा बनी रहे, इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को सादर धन्यवाद और अभिनंदन प्रोफेसर सुनंदा चतुर्वेदी। आप हम संस्था के उपाध्यक्ष डॉक्टर डी एन धाजी सर निवेदन। मैं शंकर भोज वर्षा संचित दयायुक्त नर सकल सुंदर स्वच्छ सब व्यवहार सकल विद्या उदय निंदिला विदित भरि संसार मंचा सिंह विशिष्ट अतिथिगण और सभा में उपस्थित त्यागस्त मैथिल बिंद के सादर प्रणाम। ये हमारे सौभाग्य है कि आज हमारा संस्था के तरफ से अहाँ सबके धन्यवाद प्रस्ताव राखब के लिए अहाँ सबक समक्ष हमारा देल गया। हम अपना के माँ मिथिला के ई एक आशीर्वाद बुझे छे और एहि लेल हम संस्था का आभारी रहें। ई संस्था मैथिली के प्रयागस्त सब मैथिल वृंद के लिए छन, जे भी हम सब अपन जे संस्कार के अपन गाँव में अपन मैथ में अपन देश में सीखलों तक देखा रहा अपन पालन कर रहा छी, ओकरे एहि कार्यक्रम के लिए ई राखल गेल ये। आज हमर एहि कार्यक्रमक मुख्य अतिथि श्रीमान न्यायमूर्ति माननीय श्री कुमार अजीत साहब आयल छलथि और वो अहाँ सबके सम्मुख हमरा सबके सम्मुख अपन आशीर्वचन से अभिषिक्षित कलथि, हुनका हम बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद दै छियनि। सर आप इस प्रोग्राम में आए, अपनी वाणी से हमें और हमारे पूरे मिथिला समाज को आपने अपना आशीर्वचन दिया और आपकी जो मैथिल के प्रति हमने लगाव देखा उसके लिए हम लोग बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और हम आशा करते हैं कि आपका इसी तरह से अपने व्यस्त समय में समय निकाल के हम लोगों के लिए आगे भी आप देते रहेंगे। हम इसका आपका आकांक्षी रहेंगे और आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए। आज के आयोजित जो कार्यक्रम में एकर सभा अध्यक्ष प्रोफेसर सुनंदा चतुर्वेदी प्रचार्या महोदय छलथि, जिनका बारे में अहाँ सब सुनलिए, ओ अपन मिथिला के बारे में जो हुनकर अनुभव छन तैसँ अपना सबके उत्साहित कलथि और अजुका जो कार्यक्रम छै ओहिमे ओ अपन व्यस्त समय निकालि के अयली, ताहि लेल हम हुनका बहुत बहुत हृदयसँ आभार प्रकट करै छियनि, हृदयसँ धन्यवाद दै छियनि। मैडम आप यहाँ पे आई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपने हम लोगों का उत्साह वर्धन किया। जिस तरह से हमारे अध्यक्ष महोदय यहाँ पे हम लोगों को निराशित करके गए उसका उत्साह वर्धन आप लोगों ने आपने किया आगे के, और उनका आगे का जो डीपीसी होगा उसको भी आपने कंफर्म कर दिया। यू हैव डिक्लेयर्ड द रिजल्ट फॉर द नेक्स्ट डीपीसी ऑफ आवर प्रेसिडेंट। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ और साथ ही आपने अपना व्यस्तम समय निकाल करके जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने अपने उद्बोधन में कहा और आपने भी बताया आप अभी बहुत व्यस्त हैं, आप यहाँ पे आए हम लोगों के साथ अपने आशीर्वचन को हम लोगों को बताया, उसके लिए हम आपके सदा आभारी रहेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई ये जो कार्यक्रम भ रहा है एक विशिष्ट अतिथि डॉक्टर जयशंकर मिश्र जी साहब ओ कार्यक्रम में हम हुनका हृदयसँ बहुत बहुत धन्यवाद दै छियनि
और आशा करै छियनि ओ अहिना हमरा सबसे जुड़ल रहता और अपन विद्वता कर हमसे जे छोट छी छोट सब छियनि जिनका अपन दिशा निर्देश में आगू बढ़ रहता है। सर अहाँ का बहुत बहुत धन्यवाद। अहाँ सब जना सुनलिए लिखन हमर अध्यक्ष महोदय डॉक्टर अवधेश कुमार झा जी कहलथि जे ओ हमरा सबके छोड़ के जा रहा है। जना अहाँ सबके ज्ञात है ई हमर सबके 27वां वर्ष छी संस्था के सुचारू रूप से चलबाक लेल। ओहिमे ओ 11 साल जे हमर समाज ये जकरा बारे में जे माटि पानि के बारे में कहल जाय छै जे डेग डेग कोस कोस पर पानी बनता है तीन कोस पर वाणी अर्थात एतो मुंडे मुंडे मति मिलना मुंडे मुंडे नव पया ग्राम ग्राम नवाचार नव वाणी मुख्य मुख्य तो अ जे विभिन्नता वाला हम सब छी तकरा सब के एक जगह संगठित राखि के सुव्यवस्थित राखि के अय संस्था के सफलता पूर्वक 11 साल अध्यक्षता कलाय और एखनो ओ हम सब आशा करै छी जे आगू करैत रहता। जना हमर आय जे मुख्य अतिथि छै हमर जे आय सभाध्यक्ष छै ओ कहलखिन अय संस्था के आगू करबाक लेल हम अय एहन ऊर्जावान अध्यक्ष महोदय का सदा आभारी रहबै जे ओ अपन दिशा निर्देशन हमरा सबके आगू दैत रह और अपन जे ओ वक्तव्य देलथि रह तिनका एखन नहि कहतहुँ एहि पर एकर क्रियान्वयन नहि करतहुँ हमसब जाबे तक ओ सक्षम छै ताबे तक हमरा सबके मार्गदर्शन करैत रहत और एहि के लेल हुनका हम बहुत बहुत धन्यवाद दै छियनि। सर अहाँके बहुत बहुत धन्यवाद अहाँके हम आभारी रहब। अहाँ संस्था का अपन संस्था के सचिव महोदय श्री सरोज कुमार झा जी जे बहुत ही ऊर्जावान छथि बहुत अपन कार्यशक्ति के लगबै छथि हर तरह से हम हुनका सुचारू रूप से सम्पन्न कऽ रहल छथि। श्रीमान मनोज जी सरोज जी अहाँके बहुत बहुत धन्यवाद। जना अहाँ सब जनै छियै कोनो कार्यक्रम होइ छै ओकर स्वागत सबसे पहले हेबाक चाही तो स्वागताध्यक्ष श्री अशोक झा जी के हम बहुत बहुत धन्यवाद दै छियनि। अहाँ सब देखने एबै कि हल्ला करै छलै ओ कते जोर से कहलखिन माँ मिथिला की जय सब शांत भऽ गेलै। एहन आदमी के हेबाक चाही एहन ऊर्जावान व्यक्ति के यदि हमर मार्गदर्शन भेटत हमर सहयोग भेटत तऽ ई जे संस्था जे कि आब अपन 27वां वर्ष में आबि रहल यऽ जकरा कि एखन और बहुत दूर जवाब छै ओ अपन स्वर्ण जयंती हीरक जयंती शताब्दी मनाय तऽ एहन एहन व्यक्ति के सहयोग बहुत आवश्यक छै ताहि दुआरे श्रीमान अशोक जी अहाँके बहुत बहुत धन्यवाद। आइ ई कार्य भऽ रहल यऽ भऽ सकै छै काल्हि सब बिसरि जेबै लेकिन एकर स्मरण के लेल जे हमर संपादक महोदय कार्य कलथि हन विगत मासमे ओहि सब संपादक महोदय के जे स्मारिका प्रवासी अपन समय देलथि हन हुनकर हम बहुत बहुत धन्यवाद दै छियनि। जेना अहाँ सब देखने हेबै आइ लिखल छै जे आइ कार्यक्रम के जे प्रसाद छै भोजन छै से श्रीमती पुष्पा मिश्रा एवं श्री धारक कृषि जी के तरफ से भऽ रहल छै ओहि के लेल हम हुनका हृदय से आभारी छियनि और हुनका बहुत बहुत धन्यवाद दऽ रहल छी। संगे ई कार्यक्रम तखन सफल हेतै जहन अहाँ सब मैथिलवृन्द एहिठाम छियै एतौ एबै एतौ सुनबै तऽ हम अहाँ सबके अपना संस्था के तरफ से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद दै छी और अहाँ सबके एहि कार्यक्रम मे उपस्थित भऽके लेल बहुत हम आभारी छी जे अहाँ सब शांत बनाए कऽ एतौ एलहुँ एतौ सुनलहुँ सबके एकरा लेल बहुत बहुत धन्यवाद। संगे हमर जे कार्यकारिणी के सदस्य सब छथि तिनका सबके ओ एखन दू तीन महीना से लगातार बहुत कार्य कऽ रहल छथि अथक परिश्रम कऽ रहल छथि ओहि सबसे कार्यकारिणी सदस्यगण के हम हृदय से आभारी छियनि हृदय से धन्यवाद दै छियनि और सब धन्यवादक पात्र छथि। जंगल मे मोर नचलकै के देखलकै क्यो नहि देखलकै ई बात काल्हि खन पूरा प्रयाग मे खबर हेतै तऽ ओहि खबर के पहुँचाबऽ के लेल जे मीडिया बंधु अयलथि हुनका मीडिया बंधु के पत्रकार बंधु के हम बहुत बहुत धन्यवाद दै छियनि। और आजुक जे कार्यक्रम ये से एहि हॉल मे भऽ रहल यऽ एहि हॉल के जे व्यवस्थापक छथि तिनका हम बहुत बहुत धन्यवाद दै छियनि और अजुका जे कार्यक्रम भेल ताहिमे पूरा मंच के संचालन करैमे मंच कार्यक्रम के पूरा संचालन करैमे हमर जे
अग्रसर सहयोग करता है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और संगे आज के कलाकार सब आया था और जितने कार्यक्रम प्रस्तुत कराया था वही सब कलाकार का हम सब धन्यवाद दे संगे वही सब का हम धन्यवाद दे कार्यक्रम के सफल बनवा परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहायता दिलाए था चाहे जिनका हम नाम उल्लेख नहीं कर पेलो हम वही सब को हम धन्यवाद दे अपन वाणी में विराम देव से पहले हम कह चाहे मिथिला के माटी पर जड़त नित ज्ञानक दीप सृष्टि के सागर में मिथिला मोती सौ भरल सी मिथिला मनुष्यता के मुकुलित पंकज बन थी धरती के माथ पर लेकर शीतल चंदन थी अरे चंदन कहाँ सब लगा और कार्यक्रम को सफल करो जय मिथिला जय बहुत बहुत धन्यवाद और हम विशेष आभार व्यक्त करना स्वागत करता आवन अभिनंदन करता आवन ग्रामोदय विश्वविद्यालय डॉक्टर विवेक मनीष विजय जी इंडिया टैलेंट में भी जी टी वी में देख करके आया है ना और इनका शो कल के बाद 10 दिन हाँ पंडित जी के एतिक नीक अपन मुखार बिंद सँ महादेव के संगे अ मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद मिथिला सांस्कृतिक संगम प्रयागराज के सदन से आओ पुनः अपन कार्यक्रम के हम सब गतिमान करी और एक बार निवेदन करब कि जोरदार एक बार ठकड़ी पुनः अ कार्यक्रम के लिए बजबा के चाहिए बाबा विद्यापति के धरे एहिठाम उपस्थित सब श्रोता के हम रानी झा प्रणाम करे छी और दिल से धन्यवाद अहाँ सब गोटे के कि आई दोबारा आई मंच पर सर हमरा आवे के मौका देलहुँ बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ सब गोटे के जे एतेक नीक मंच पर आवे के हमरा दोबारा मौका देलहुँ और सबसे पहले एक भगवती वंदना सुनाबी तकर बाद मैथिली लोकगीत सब किछु दिन पहले गंगा कंपनी से गीत हमरा आयल छल हमरा आवाज में सुनने रहे ओ गीत हम सुनाबी
मोड़ा
ये बड़ खुशी के बात हुई जे यहाँ के सामने में जो बैसल छत श्री भागरथ मिश्रा जी इस संस्था के पहल सचिव रहल छत आज जो इस संस्था 27 वर्ष मना रहा हुए तकर पहल संस्थापक सचिव अपने छी और अपने जे अबरिका जे भोजनक व्यवस्था हुई जैमे 70,000 रुपया दिल गए वो 70,000 रुपया आदरणीय श्री भागरथ मिश्र जी के द्वारा दिल गए और हमरा मिश्र जी कहला गेनू मिश्र जी के घर पर मैडम के कहलिए तुम्हें माता तुम्हें पिता तुम्हें बंधु तुम्हें सखा मैडम कहू बेसी नहीं कहू हाँ हम पहले से बेटा छी कते चाही से बताओ रानी मैडम ने और तुरंत 5 मिनट के अंदर सचिव संस्था के सच ये संजू सचिव जी और लोग सब गेल रही हम सब सचिव जी हुए आउट ऑफ स्टेशन छला है नहीं आई पेला तो 70,000 रुपया के चेक वही दिन दिला और जकर आई प्रसाद वितरण कर रहा हूँ मैडम जी एहन पवित्र आत्मा के कि बार बार कहला जो हमरा नहीं बजाओ कहता मैडम आब के स्थिति में नहीं छली है लेकिन हमरा सब एकटा अभिलाषा उत्साह कि नहीं अपने आप और हिनका तो हम आग्रह केवे के लिए अपनों सबसे आग्रह करे बिराबरी के एक बेर का भोजन जिनका समर्थ हुई से एक बेर का बेरा आकाश में खबियो एक साल हो हमू सम्मिलित है वही में लेकिन इस सब बेरा उठबियो साले साल अगर सब भोज भात गाँव में करे तो पूरा समाज है कहीं तो बेसी निक रहा तो हम और अ बीच में श्री फूलचंद दुबे जी जे कि प्रयागराज के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ओहो अ बीच में संगे श्री सांगिल जितेन्द्र त्रिपाठी जी महाराज जे कि बहुत स्वाभ्यता के साथ हमरा सब के चाहे वो कुंभ मेला हो बाघ मेला हो चाहे जे हो वो और इलाहाबाद के में जतक धार्मिक कार्यक्रम हुए तेमें हमरा सब मदद करे हेल्प करे फूलचंद इनका दुबे जी के सेहो बहुत मदद रहे प्रशासनिक रूप से अपन समाज के लिए बहुत बहुत अहाँ के स्वागत हो और दुर्गति संस्था के अध्यक्ष श्रीमती मोहिनी झा से निवेदन करब कि वो आवे बड़े स्वाभिक आदमी हैं अतः आप हैं मैडम स्वागत अपने मिश्र जी के स्वागत यानी ताली बजे अपने सब और संगल पाठ कर नीक लगे छे ना जैसे नीक लगे छे आप हम श्रीमती मोहिनी झा हमर मिश्र जी स्वनेता के साथ ₹3,05,000 या राम मंदिर बन रहा है तेमें डोनेशन गए हैं 2,00,000 रुपया काला काम इस्कॉन मंदिर में देवे हम कहलिए सब किस सबके द देवे हमरा सब के बुझाइए जे हमरा सब ले आगा बहुत कुछ भेटा बना छे बस आशीर्वाद चाहिए संस्था के पीछे भेट देते तो बहुत बढ़िया जोर से ताली और हम कहेंगे एक मिनट महीना के बाद फिर एक मिनट अपने गाई दियो मिश्र जी हम अपने वतन के राजा हम ही मैथिल समाज के बेटे और ए मंच में सबसे बड़ी का असुविधा हमरा की बुझा करे जे बाधा बाधे छै की गाबै छै से की समझ में नहीं आता है। शुरुआत में हम संस्था के सचिव रही तहिया से आज तक देखे छी वह बीमारी ई बीमारी आज तक कहियो ठीक नहीं
केना हेतै ओ बड़का बाजा बनबै छथिन ओ के की गाबै छै किछु नहि सुनाइ दै तऽ तखन गाबैके सुनैके मतलब कि खाली आवाज सुनै छै ऐसे हम पहिने तक रही आशीर्वादी दो सबसे बुजुर्ग हम की कर रहे से हम की कह कैया तक किए रहे की कर रहे से की कह बहुत बहुत धन्यवाद बैठियो विश्व जी के बहुत बहुत धन्यवाद एनाइए हिनका बनल है संस्था पर आशीर्वाद बहुत सर वहाँ सब बैसे खाली छे बैसे में तो बढ़िया लगते गावे में बैठ जाओ जे गोटे ठान छी आग्रह करब कि कुर्सी पर विराजमान हो जाए और थोड़ा हमें कार्यक्रम के आरंभ करें भेटल जे चिट्ठी हम पढ़ल
हाँ वीरेंद्र चौधरी विजय चौधरी सबसे बढ़िया आधार कार्ड लो नहीं होने कुछ के तो अही के तके छनो वही दोनों गोटा के खाली खाली लगे छले ताली बजे के चाहिए जदे नीक लगे त ईमानदारी के साथ ताली बजे के चाहिए आताई के हेताई पछके में की को के तेरी भगवान हो सके वरदान मात्र इंसानियत के देखिए आई तो कोनो कलहा के
एक बार जोरदार की थपनी बजा दी। हाँ राजा जी
जी बड़ा गाना के गुनगुना के एकदम मुड़ी हिला हिला के गाना सुने छे रोज लिपस्टिक चाहबे जोहार 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 जो
और हर जान के नाम से हम सुना दी।